लेकिन बालक भाई ये क्या देख रहा हूँ? अरे इतने छोटे उम्र में तुम जंगल की ओर कहाँ जा रहे हो? मेरी माँ ने भिक्षा मांगने के लिए गया है बाबा। मेरी माँ की आज्ञा था कि पुत्र जब तक मैं भिक्षा मांग के वापस नहीं आ जाऊंगा तब तक तुम अपना झोपड़ी छोड़ के कहीं मत जाना। लेकिन बाबा मेरे भूख के मारे रहा नहीं गया और माँ को बहुत देर हो चुका था। मैंने सोचा जिस रास्ते से मैंने किया है मैं उसी रास्ता से जाऊंगा। अगर रास्ते में मेरी माँ मिल गया तो मैं उसी भोजन कर लूंगा, नहीं तो आगे की ओर चला जाऊंगा। लेकिन बाबा चलते चलते मैं रास्ता भटक गया बाबा। बूढ़े सिर झपट पड़ा बाबा। हाँ बालक, देखो बालक भाई सुने गंगा स्नान करके लौट रहा था। मैं तो आगे बढ़ गया था, जब तुम्हारे चिल्लाहट की आवाज मेरे कानों तक गया तो मैं पीछे लौट कर देखा और तुम्हारे पीछे एक बूढ़ा सिर टूट पड़ा था। हो न हो, अगर मैं इस वक्त जंगल में नहीं होता शायद तुम्हारा प्राण ही बचता बालक। लेकिन बालक इस जंगल में तुम अकेले रहते हो? हाँ बाबा, अकेला नहीं रहता हूँ। आगे का झोपड़ी है वहाँ रहता हूँ और एक मेरी माँ रहता है बाबा। अच्छा, लेकिन बालक इतने छोटे उम्र में तुम्हें जंगल में छोड़कर मां नगर बस्ती की ओर भिक्षा मांगने के लिए चली जाती है, क्या तुम्हें साथ में क्यों नहीं ले जाते? माँ मेरी माँ इसलिए अपने साथ नगर बस्ती भिक्षा मांगने के लिए नहीं लेके जाता है। अगर मैं माँ के पास जाता हूँ तो नगर बस्ती के लोग मुझे गंदे गंदे गाली देता है और मेरी माँ को कंकड़ पत्थर मारते हैं और कहते हैं ये नालायक तुम्हारा औलाद है, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। अरे तुम्हें एक भिखारी की बच्चे कहकर नगर वासी की लोग कंकर पत्थर से छुपराते हैं, कोई बात नहीं वाला। अब तो मैं तुम्हारे शेरों से मैंने रक्षा कर दी और तुम अपने अपने ये रास्ते होकर अपने झोपड़ी के पास चले जाओ और मैं धीरे धीरे अपने कुटिया के पास जा रहा हूँ। बालक रुक जाइए बाबा। क्यों बाबा? आपने तो मेरे प्राणों का रक्षा किया बाबा, इसलिए मुझे अपना झोपड़ी तक छोड़ दीजिए बाबा। मेरी माँ से मिल लीजिएगा, उसके बाद आप अपना। ठीक है, मैं देख रहा हूँ डर के मारे तुम्हारे शरीर का रोआ रोआ खड़ा हो चुके। मैंने तुम्हारे प्राणों को रक्षा किया है बालक, तो मेरा फर्ज भी बनता है तुम्हारे झोपड़ी तक छोड़ाने का। चलो चलो चलो, मैं तुम्हारे झोपड़ी तक छोड़ाता हूँ बालक। ठीक है बाबा। हेलो चे हेलो हेलो हेलो
मेरा बेटा इस समय कहाँ चले गए? मैं तो अपनी झोपड़ी में बिठा करके गई थी नगर वसनी में भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन मेरा पुत्र अभी अपने घर के कहाँ चले गए? आओ बेटा जंगली वास्ता खुश रहो मेरे लाल बेटे जंगली वास्ता। हाँ माँ, तुम क्यों रो रहे और तुम्हारी हालत ही कैसे देख रहे हैं पुत्र? कहाँ चले गए थी मेरी अपनी झोपड़ी छोड़ के? माँ तुम मुझे कह कर गई थी कि पुत्र जब तक मैं नगर वसनी से भिक्षा मांग के वापस नहीं आ जाऊंगा हाँ पुत्र तब तक तुम अपना झोपड़ी छोड़ के कहीं मत जाना। लेकिन माँ तुम्हें नगर बस्ती भिक्षा मांगते मांगते बहुत देर हो चुका था माँ, इसीलिए माँ मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे भूख के मारे। माँ मैंने सोचा माँ को बहुत देर हो चुका था, क्यों नहीं जिस रास्ते से मेरी माँ गया है मैं उसी रास्ता से जाऊंगा, अगर मेरी माँ रास्ते में मिल गया तो मैं उसी जगह भोजन कर लूंगा। लेकिन माँ लेकिन क्या पुत्र, रास्ते चलते चलते मैं रास्ता भटक गया माँ, और एक मुझ पर एक बूढ़े शेर झपट पड़ा माँ, और मैं उस जंगल में बहुत चिल्लाया बचाओ बचाओ माँ। उसी रास्ते से एक बाबा गंगा स्नान करके वापस लौट रहा था, जैसे उस बाबा के कानों तक आवाज गया और वो बाबा दौड़ता मेरे पास आया और मेरे प्राणों का रक्षक किया माँ। लेकिन पुत्र इस समय वो बाबा तुम्हारे साथ में आए? हाँ माँ मैं उस बाबा को अपने साथ लेकर आया हूँ। कहाँ है पुत्र? मैं उन बाबा से मिलना चाहती हूँ। बाबा यही वो बाबा है जिसने मेरे प्राणों का रक्षा किया, बाबा यही मेरी माँ है। ए दसना माँ बेचारी। हाँ बाबा आज मैंने कैसा दृश्य देखा? क्या देखिए बाबा, अरे इतनी छोटी उम्र में बच्चे को छोड़कर तुम नगर वस्ती भिक्षा मांगने के लिए चली जाती हो और नन्हे से बच्चे को तुम जंगल में छोड़कर चली जाती हो, बच्चे को साथ में क्यों नहीं ले जाती? बाबा मैं अपने बच्चे को इसलिए नगर वस्ती में भिक्षा मांगने के लिए घर जाती, तुम यहाँ बच्चे सब माँ बेटी पर इटावर पर